तो अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कंकेव लेंस। कंकेव लेंस में मात्र दो ही केसेस हम लोग को पढ़ने हैं। पहला केस तो है ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट इनफिनिटी, इनफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इनफिनिटी से जो आने वाली रेज होती है कैसी होती है, पैरेलल होती है, आप सबको पता है। और वो जब कंकेव लेंस से पास करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज कर जाएगा। एंड दीज टू डाइवर्जिंग रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देन इट अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट। हम लोग को पता है द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, वहाँ पे हम लोग को वर्चुअल इमेज मिलता है। ठीक है, तो चूंकि दीज डाइवर्जिंग रेज आर नॉट गोइंग टू मीट एट एनी पॉइंट, तो इस डाइवर्जिंग रेज को आप क्या करो, बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करो, जहां पे वो मिलता है वो प्रतीत होगा। द पॉइंट एट विच दीज डाइवर्जिंग रेज अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट अ वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्मड। तो यहां पे एक पॉइंट साइज का वर्चुअल इमेज बन गया। तो एट इनफिनिटी रखते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को दो पैरेलल रेज को लानी है। दो पैरेलल रेज को लाने के बाद ये कंकेव लेंस से जब पास करेगा तो डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्जिंग रेज तो मिलती नहीं है कभी, तो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे। जहां पे प्रोड्यूस करने पे अपीयर्स टू मीट होगा वहां पे इमेज बनाएगा। इमेज कहां बनता है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि F1 पे बन रहा है। यहां पे पॉइंट साइज बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि इरेक्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि वर्चुअल है। ठीक है, और वेरी वेरी लेस देन वन है, वेरी वेरी लेस देन वन है एम का वैल्यू। क्यों? क्योंकि काफी छोटा है और एम का वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि इरेक्ट बना है इसलिए पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है।